प्रश्न, ग्राम की परिभाषा क्या है? ग्राम के कितने प्रकार हैं? उत्तर, ग्राम की परिभाषा। हमारा प्राचीन संगीत ग्राम शब्द से संबद्ध रहा है। भरत ने केवल दो ग्रामों षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का वर्णन किया है और गंधार ग्राम को स्वर्ग स्थित बताया है। मतंग मुनि ने भी तीसरे ग्राम का नाम तो लिया, किंतु उसे स्वर्ग स्थित बताया। उसके बाद के सभी लेखकों ने तीसरे की खोज की चेष्टा नहीं की और तीन ग्रामों का उल्लेख करते हुए गंधार ग्राम के लोप होने की बात ज्यों की त्यों मान लिया है। ग्राम स्वर समूह स्यात् मूर्छनादयः समाश्रयः। संगीत रत्नाकर, शारंग देव संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद तथा अन्य कुछ ग्रंथों में गंधार ग्राम का थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि गंधार ग्राम वास्तव में निषाद ग्राम था, जो निषाद से प्रारंभ होता था। गंधार ग्राम के लोप होने का कारण नहीं बताया, केवल इतना ही कहा कि गांधर्वों के साथ ये भी स्वर्ग में चला गया। अतः केवल दो ग्राम ही बचते हैं, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। एक अन्य लेख में आप जान सकते हैं कि ग्राम स्वरों का ऐसा समूह है जिससे मूर्छना की रचना होती है। मूर्छना, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि ग्राम के स्वर निश्चित श्रुत्यांतरों पर स्थापित हैं। किसी एक स्वर को अपने स्थान से हटा देने से ग्राम का स्वरूप बिगड़ जाता है। अतः ग्राम की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, निश्चित श्रुत्यांतरों पर स्थापित सात स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ये स्वर चतुष्चतुष्चतुष्चैव दोहे के आधार पर 22 श्रुतियों के अंतर्गत फैले हुए हैं। ग्राम से मूर्छना की रचना हुई है।